नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। अपराध अक्सर असंतोष से उपजता है और हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन ये केस कुछ अलग था। जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ छलावा था। विश्वास, रिश्तों और इंसानियत के लिए प्रवेश मानो वर्जित था। पानी। क्या बात है? आज बिना बोले सारे काम हो रहे, कुछ चाहिए क्या तुम दोनों को? वो प्रियंका को कॉलेज टूर के लिए जाना था, इसके सारे फ्रेंड्स भी। तो जय, ये काम तुम भी कर सकती हो, मेरा सिर क्यों खा रही हो? वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड मैं भूल गई तो अकाउंट ब्लॉक हो गया है। लो, दे दो। तुम भी ना। इस लड़की का फोटो क्यों रखा है फोन पर? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हूँ? ये लड़की मेरे लिए मर चुकी है। ऐसे मत बोलिए, आज जन्मदिन है रश्मि का। जन्मदिन उनका होता है जो जिंदा होते हैं, मरे हुए लोगों की बर्थ से मनाई जाती है। काश 25 साल पहले अपने हाथों से उसका गला दबा के उसे मार दिया होता तो आज कम से कम उसकी वजह से समाज में बेइज्जत तो ना होना पड़ता। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. Oh my God, Ronak, this is so beautiful. Thank you so much. Congratulations. Thanks to you. तूने मेरा social media account handle किया और मुझे ये web series मिली। किसी post को कैसे viral करते हैं ये बंदी जानती है। Post. Guys, see. किसी भी post को viral या trending करने का एक simple fund है। बदनाम हुए तो क्या हुआ? नाम तो हुआ ना। Point है boss. हेलो रश्मि, ये तूने क्या किया? रौनक, एक मिनट, क्या हुआ है पहले ये बता। देख, मेरे सामने नाटक मत कर, मेरी इमेज की तो तूने लगा दी है और मेरे घर पर जो तमाशा चल रहा है वो अलग। अगर मेरा करियर डूब गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रौनक, पहले बदतमीजी से बात करना बंद करो और आराम से बताओ हुआ क्या है। अभी के अभी मेरा सोशल मीडिया चेक कर, जाकर पता चल जाएगा कि कल तूने क्या पोस्ट किया है। रॉन्ग विथ यू रश्मि, क्या कर दिया है तूने? यार पता नहीं कैसे हो गया ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नशे में थी तो पता नहीं कैसी गलती हो गई यार। गलती? बहुत बड़ा कांड कर दिया है तूने।
पत्थर नीचे रख, नीचे रख पत्थर। इस भिखारी के पास एक सूटकेस है जिस पर खून के धब्बे, लोगों ने देखा तो पीसीआर को फोन किया, अब ये किसी को पास नहीं फटकने दे रहा सूटकेस के। सर पत्थर नीचे रख, सर नीचे, पत्थर नीचे रख, पत्थर नीचे रख। गुप्ता राम देखो, तूने क्या कहना है सब? तूने मारा है ना इस लड़की को? तूने मारा? एक सेकंड सर, ये भिखारी मंदबुद्धि है। ये मंदबुद्धि है या तेज बुद्धि है ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है इसने ही मारा हो इस लड़की को और पकड़े जाने के डर की वजह से एक्टिंग कर रहा हो। नहीं सर, आसपास लोगों से पूछताछ की थी, वो कई सालों से इसे ऐसे ही देख रहे हैं, यूं ही घूमता रहता है। तो हो सकता है ये सूटकेस इसको कहीं से मिला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने सूटकेस फेंका और इसने उसको देखा हो, इससे हमें कातिल का हुलिया पता चल सकता है। सर इधर देखिए, ये खून के निशान सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद उस तरफ खून के बिल्कुल निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सूटकेस को यहां से घसीटते हुए वहां तक ले जाया गया। यानी इस पॉइंट तक सूटकेस किसी व्हीकल में लाया गया होगा। राइट, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई सीसीटीवी तो होगा नहीं, इस रास्ते पर आने वाले जितने भी रूट्स हैं उन सब की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उन रूट्स पर आने वाली सभी गाड़ियों को खंगालो। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दिल्ली एनसीआर में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है उन सबको खंगालो, हो सकता है इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। नेट बंद होगा उसका, मिस्ड कॉल देखेगी तो खुद ही कॉल करेगी। पर मम्मी दीदी का नेट कभी नहीं बंद रहता है, उनका तो सारा काम ही नेट पर है ना। बेटा बिजी होगी, और एक काम कर, तू जाके खाना गरम कर, तेरे पापा आते ही होंगे, उनको पता चल जाएगा तो तू समझ रही ना बेटा। क्या तो क्या मम्मी क्या कर लेंगे वो? दीदी ना एकदम सही बोलती है, हम सब पापा के हाथ की कठपुतलियां हैं, क्या वो कभी हमारे बारे में सोचते हैं कि उनकी बेटियों की उनकी बीवी की भी कोई अपनी विशेष हो सकती है, लाइफ हो सकती है? लेकिन नहीं, वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ मम्मी? सर विक्टिम के हाथ पे ये टैटू फ्रेंच लैंग्वेज में है, इसका मतलब है माय लाइफ माय रूल्स। माय लाइफ माय रूल्स, मतलब ये लड़की रेबल टाइप की होगी। वाओ दी, कूल है ना? इसका मतलब है मेरी जिंदगी मेरे नियम, मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊंगी, जैसे कि मैं हूं। तू जान क्या है ये, क्या कर दिया? मुंह पर तो काली पोच चुकी हो तुम पहले ही, ये हाथ का भी सत्यानाश कर दिया। इसी तरह से ना यहाँ माथे पर लिख दिया हमारे कि नालायक बेटी का मजबूर बाप। पापा ऐसा भी क्या कर? अरे ये क्या कम कर दिया क्या तुमने? हाँ मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। वो नहीं निकलेगा। अरे कैसे नहीं निकलता है देखते हम। पापा दीदी को दर्द होगा। आजा। पापा प्लीज दीदी को दर्द हो रहा है। पापा प्लीज, पापा नहीं निकलेगा वो, प्लीज छोड़ दीजिए। याद रखना ये मेरा घर है, यहां सिर्फ मेरे नियम चलेंगे, यहां तेरा कुछ नहीं चलेगा। विक्टिम के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन मिली? सर अली एनसीआर की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की, लेकिन उनमें से एक का भी विक्टिम से हुलिया मिलता नहीं। प्रतिभा एक काम करो, लड़की के हाथ पे जो टैटू बनाया है माई लाइफ माई रूल्स, ये टैटू सभी टैटू आर्टिस्ट को दिखाओ, हो सकता है जिस आर्टिस्ट ने टैटू बनाया होगा उसके जरिए से लड़की की पहचान पता की जा सके। और एक बात, लड़की ने जो ये कपड़े पहने देखो, इन कपड़ों के जरिए इसकी पहचान पता की जा सकती है। सर सब्जी देना। अरे देना, तोल के डाल रही क्या? डाल रहे रखे थे। थोड़ी बची है, मेरे और अंजलि के लिए रखी है।
कमाता है उसको भूखा रखेगी, खुद पेट भर के फूस फूस के खाएगी। वो भी तो भूखी है। ये ले और खाएगी भरा पेट। अब चैन से खाने भी नहीं देते। ले तुम्हार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की उम्र लगभग 25 साल है, मौत गला घुटने की वजह से हुई। तो लाश सुबह 10 बजे मिली, लेकिन मौत 7-8 घंटे पहले ही हो चुकी थी। लाश 10 बजे मिली और उससे 7-8 घंटे पहले मर्डर हो चुका था, मतलब रात के कोई 2-3 के बीच में मर्डर हुआ होगा। जी सर, बॉडी के टुकड़े मारने के बाद किए गए, वो भी किसी तेजधार हथियार से, और विक्टिम के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ही ब्रूटली हुआ है, प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज है। टैटू के जरिए लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो सभी टैटू आर्टिस्ट का यही कहना है कि ये टैटू माय लाइफ माय रूल्स 1-2 साल पहले काफी पॉपुलर हुआ था, तब कई लोगों ने बनवाया था। इनफैक्ट सर, लड़की के कपड़ों से भी कोई क्लू नहीं मिला है। प्रतिभा एक काम करो, लड़की की फोटो सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओ, शायद कोई आइडेंटिफाई कर ले। सर, सरकार ने कल से धारा 144 लागू कर दी है। सुना है बहुत खतरनाक बीमारी है। अब बता, चाइना में तो कई लोगों की मौत भी हो गई वायरस की वजह से। अब पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा ये कोरोना यार। अम्मा भूख लगी है। जा बैठ, मैं ला रही हूं। माँ, हाँ सब्जी नहीं बनी? तेरे बाबा के लिए रखी है बेटा, तू जानती है ना, अगर उन्हें कम पड़ा तो हम दोनों को खा जाएंगे। पता नहीं कब पीछा छूटेगा उस आदमी से। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जैसे भी हैं तेरे बाबा हैं, और हमें जो भी मिल रहा है ना उन्हीं की वजह से मिल रहा है, समझी? इंदु भाभी, गैरेज में एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलिए। सब भिखारी की रिपोर्ट आ गई। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि वो अपना मानसिक संतुलन काफी पहले ही खो चुका था, और जिस प्रिसिशन से क्राइम हुआ है ये उसके बस की बात ही नहीं। क्राइम करना भले ही उसके बस की बात ना हो, पर देख तो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने उससे काफी देर बात की। उनका कहना है कि उस भिखारी ने कुछ तो देखा है, क्योंकि वो बार बार किसी गाड़ी और सूटकेस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाए। छोड़ दो उसको, लेकिन नजर रखो उस पर और अपने सारे खबरियों को एक्टिव कर दो। जब तक इस लड़की की हमें पहचान नहीं पता चल जाती, तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। जमना बहाना बंद कर, समझी? एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ में? अरे मारेंगे तो चुप कैसे होगी? अरे ऐसा नहीं मानोगे तुम लोग? आंटी, आंटी क्या हुआ मधु? आज का आपने न्यूज़ देखा? नहीं नहीं देखा? क्या बात है आंटी? दिल्ली पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है, जिसके हाथ पे टैटू बना है, जैसे रश्मि के हाथ पे बना था। जब मैंने फोटो गौर से देखी तो ये देखिए। ये मेरी रश्मि नहीं है, मेरी रश्मि तो मुंबई में है। क्या हुआ? वो तो 3 साल से दिल्ली आई ही नहीं। अकल ये क्या हुआ है बताइए?
बेटा डरो मत, वो लड़के तुम्हें नहीं छेड़ेंगे अब। अच्छा बताओ, भूख लगी है? एक चाय और एक बिस्किट देना बच्ची को। रश्मि तो मुंबई में रहती थी, जब हमने अखबार में खबर पढ़ी। माधव जी, आप हमें रश्मि का मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल? सर, वो रश्मि दीदी का फोन चोरी हो गया था, तब से उन्होंने नया नंबर नहीं लिया। ठीक है, आप हमें रश्मि का पुराना मोबाइल नंबर और मुंबई का एड्रेस दे दीजिए। आप लोगों की आखिरी बार कब बात हुई थी रश्मि के साथ? 6 दिन पहले बात हुई थी इंटरनेट पर। मुंबई में ही हूँ प्रियंका, और कहाँ जाऊंगी? रश्मि दीदी, 3 साल हो गए, अब तो घर आ जाओ। देख, मैं उस जेल में वापस नहीं आ सकती, वरना जेलर साहब और पापा मेरी जान ले लेंगे। इंटरनेट के थ्रू ही बात किया करते थे। रश्मि कौन सी कंपनी में काम करती थी? कंपनी का तो नहीं पता, लेकिन किसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वो काम करती थी। रश्मि अगर मुंबई में रहती थी तो उसकी लाश यहाँ दिल्ली कैसे पहुंची होगी? मुंबई पुलिस से कॉन्टेक्ट करो और रश्मि की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। एक तरफ रश्मि के कातिल की तलाश पुलिस को मुंबई ले गई थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। सर, एक कुमार जायसवाल का घर है। सर बड़े ही दबंग आदमी थे, अपने वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं। सर, इनकी लाश गला घोंट कर मारा गया है। लाश से बदबू भी बहुत आ रही है, लेकिन ये लगता है इस रस्सी का इस्तेमाल गला घोंटने के लिए किया गया है। कांस्टेबल, इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। अच्छा, घर में लूटपाट जैसे भी कोई घटना घटी है? हाँ सर, पूरा घर बिखरा पड़ा है। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर, इनके पड़ोसी हैं, अजीत महतो। साहब, 1-2 दिन से मैंने जयसवाल साहब को नहीं देखा, और जब ये थाली वाला कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त भी बाहर नहीं आए। अरे जयसवाल साहब, जयसवाल साहब, अरे बाहर निकलो। और कौन कौन है इनके परिवार? जयसवाल जी का बड़ा बेटा जो है वो तो USA में रहता है, और बेटी महिमा जो है मुंबई में। यहां पर इनके साथ इनका नाती आरव रहता है बस। और आरव अब कहां है? आरव को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। लास्ट टाइम जब मैं उसको देखा था तो अपने ही घर में चोरी करता है। भाई जी, अपने ही घर में चोरी करता है। क्यों मार रहे हैं आरव? अरे नशे ही हो गया एक नंबर का, अपने ही घर में चोरी करता है। साहब, आरव को तो नशे की लत पड़ गई थी, और इसके लिए उसने घर में कई बार चोरी भी किया है। मुझे तो ऐसा लगता है साहब के पैसे के लिए ही उसने सब पूरा घर छान लिया, सारी कीमती चीजें चोरी हो चुकी है। सर, जयसवाल साहब के पास एक गन थी, वो मिली होगी आप लोगों को उनके पास। गन? जी सर, पूरा घर देख लिया, कोई गन नहीं मिली। सर, सर रश्मि की बहन प्रियंका ने हमें जो उसका मुंबई का एड्रेस दिया था वो फेक है सर। रश्मि की फैमिली कहती है कि रश्मि मुंबई में रहती थी, वो दिल्ली कभी वापस लौटी नहीं। अब या तो रश्मि ने अपनी फैमिली से झूठ बोला, या फिर रश्मि की फैमिली हमसे झूठ बोल रही है। बेटा, मुंबई जाना जरूरी है क्या? हाँ माँ, मेरी ड्रीम जॉब है। जो सैलरी मुझे मुंबई में मिलेगी वो नोएडा। ये सब्जी लाइए, ये रख दो। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ इस दहलीज के बाहर किसी ने कदम भी रखा तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है पापा, नहीं आऊंगी वापस, आई प्रॉमिस। तो जाओ और वापस मत आना, और आ गई ना गलती से तो गलत आवा के यहीं पे खत्म कर दूंगा तुम्हें, तो काट काट के फेंक दूंगा तुमको।
ये क्या बात कर रहे सर आप? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे भला? देखिए पहली बात तो मेरी रश्मि से कभी बात होती नहीं थी, ये प्रियंका की बात होती रहती थी। तो प्रियंका तो बता देना उनको, रश्मि जब मुंबई से तुझे फोन करती थी और जब मुंबई में रहती थी कहाँ कहाँ घूमने जाती थी सब बताती थी ना तुझे, तो बता देना इनको। सर रश्मि दीदी मुंबई में ही रहती थी, मलाड में, वो दिल्ली में रहती थी, उन्होंने कभी मुझे ऐसा बताया नहीं। और वो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगी सर? प्रियंका अगर कोई ऐसी बात है जो तुम अपने माँ बाप के सामने हमसे नहीं बताना चाहती तो एक मिनट माधव जी, एक मिनट, तो तुम हमसे अलग से भी बता सकती हो। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। ये रश्मि का परिवार हमसे झूठ बोल रहा है और एक दूसरे से भी, रश्मि की फैमिली पे नजर रखो सर। और सर रश्मि के पुराने नंबर की डिटेल्स कल तक आ जाएंगी, वो किन किन लोगों के साथ टच में थी ये भी पता चल जाएगा। रश्मि के दोस्तों से मिलते हैं, हो सकता है जो बात हमें रश्मि की फैमिली नहीं बता रही उसका दोस्त बता दे। सर कुमार जायसवाल का नाती आरव, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सर एक काम की खबर हाथ लगी है, एक ड्रग पेडलर अंकुर है उसके साथ इस आरव का उठना बैठना था। ठीक है ये माना कि अंकुर आरव को ड्रग सप्लाई करता था, लेकिन इससे कहीं साबित नहीं होता कि उसका मर्डर से कोई लेना देना हो। हो सकता है सर, क्योंकि अंकुर ने आरव को ड्रग्स दिए थे बेचने के लिए, लेकिन ये नशे का आदि आरव, उसने सारे ड्रग्स खुद ही उड़ा दिए। तब तो ये अंकुर आरव के पीछे हाथ धो करके पड़ गया होगा अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए। जी सर, घटना के 3 दिन पहले आरव गया था अंकुर को पैसे देने के लिए, लेकिन कुमार जायसवाल ने इन दोनों को देख लिया था। नाना जी वो मैं ये जहर खरीदने के लिए तूने घर से पैसे चुराए? हाँ यही से कहा तुझे, तू कहाँ जा रहा है? पैसे दे मेरे वरना गोली मार दूंगा, पैसे दे, पैसे दे, पैसे, रुक रुक। अपने खबरियों से कहो ऐसे अंकुर की कुंडली खंगाले। सर रश्मि के फादर माधव अंकल बहुत कंजर्वेटिव और गुस्सेल आदमी है, ऊपर से वो रश्मि से तो बहुत ज्यादा ही चिढ़ते थे एक बार तो। अच्छा सुन ना, हाँ। वो फाइल प्लीज आज मुझे कंप्लीट करके दे दे। हाँ, और मेरी भी फाइल रहेगी, वो भी ईमेल करना। मैं लेट हो रहा हूँ, जो निकलना है। अच्छा, हाँ, और कल तुम्हें कब करना बता देना मेरे को, ठीक है? चलो हाँ ठीक है। पापा वो बीच रास्ते में और लड़कों के साथ लिपटने चिपकने के लिए तुमको आदत दी चाहिए थी। पापा ये दोस्त है मेरे, दोस्ती का मतलब बताया मैं। चल घर चल, बताते हैं तुमको। और फिर घर ले जाने के बाद भी उसकी बहुत पिटाई की, उसके बाद से तो रश्मि ने शहर भी छोड़ दिया, फिर मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं रहा उससे। क्या रश्मि वाकई किसी के साथ रिलेशनशिप में थी? आई एम नॉट वेरी श्योर सर, लेकिन ऑफिस से कई बार ही वो हाफ डे लेकर निकल जाया करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद शी इज सीइंग समवन, बट उसने मुझे ऐसा कभी बताया नहीं। क्या रश्मि के फादर माधव का रश्मि की हत्या में हाथ हो सकता है? आई एम नॉट श्योर सर, पर मैं रश्मि को उसके कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। कॉलेज में वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी अपने पापा के डर के वजह से। उसके पापा ने अपनी दोनों बेटियों को धमका के रखा था कि किसी भी लड़के से बात की तो वो जान से मार देंगे। ये क्या बोल रहे सर आप? अगर मुझे रश्मि को मारना ही होता तो 3 साल पहले ही मारता मैं, जब मेरी मर्जी के खिलाफ उसने हमारे घर के दहलीज के बाहर कदम रखा था मुंबई जाने के लिए। देखिए सर मैं बाप हूं उसका, और एक बाप का कर्तव्य होता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, जो कि मैंने मेरा कर्तव्य किया है। मैं बोल रहा हूं ना कि रश्मि के साथ ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मिलकर रहेगी तो चाहे वो कोई भी हो, आप ही क्यों ना हो। अगर आपको ये लगता है कि ये सब मैंने किया है तो आप साबित करके दिखाइए। अब मैं चलूं? रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, उसका नंबर दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है,
इनफैक्ट उसका फोन कभी चोरी नहीं हुआ, उसने अपना नंबर 3 महीने पहले इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर उसकी 3 लोगों से रेगुलरली बात होती थी, रौनक दहिया, सोनाली दवे और निहारिका शर्मा। रौनक और निहारिका एक्टर्स हैं और ये सब के सब दिल्ली में बेस्ड हैं। इनफैक्ट सर उसके कॉल डिटेल्स में एक भी नंबर मुंबई का रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब रश्मि कभी मुंबई गई नहीं थी, वो यहीं दिल्ली में थी। रश्मि ने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि उसके मुंबई में जॉब लगी है। और हाँ सर, रौनक का 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, तब रश्मि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रही थी। Hey, netizens, आज मेरा बर्थडे है। See, happy birthday, रश्मि। और आज मेरे बर्थडे पे मैं आप सबके साथ ना बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 3 साल से इंडिपेंडेंट हूँ और मेरा करियर भी एकदम मस्त जा रहा है, लेकिन कभी कभी ना लाइफ की गाड़ी डिरेल हो जाती है, लेकिन मैं उसे सक्सेसफुली ट्रैक पर लेकर आऊंगी, क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहती हूँ, हमेशा अपने आप पर बिलीव करना, अपनी शर्तों पे जीना। और अरे मैंने बहुत बोल लिया, लेट्स मीट द हॉट चिक निहारिका। कौन? हाय। अरे घर आया। ओह गॉड, वेट मैन, पीछे पीछे। Oh God, look at that! Look at that! क्या कर रही है बंकर? Breaking news! Womanizer, ladyboy कहलाने वाले macho man रौनक दहिया है किसी और लड़के की बाहों में। इसीके क्या लगता है आप लोगों को? अरे stop it man! Go on, chill. ये होना कोई crime नहीं होता, वो real life में भी macho और real life में भी macho। यार right, okay. तो तू क्या ये same बात इसकी wife को जाके बता सकती है? तू ये सारी बातें छोड़ यार। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी प्रमोशनल वीडियो कब पोस्ट करोगे? यार तो वो अभी करूँ? हाँ अभी कर दीजिए। हाँ, रुक जस्ट गिव मी अ मिनट। निहारिका नो बोलेगा, नो बोलेगा, नहीं यहीं रुक। अगर मेरा करियर डूब गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रौनक पहले बदतमीजी से बात करना बंद करो और आराम से बताओ हुआ क्या है। अभी के अभी मेरा सोशल मीडिया चेक कर जाकर पता चल जाएगा कि कल तूने क्या पोस्ट किया। वेट वेट वेट, पीछे देख पीछे देख। ओके वेट। रश्मि 3 महीने से अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर रही थी, इंटरनेट कॉलिंग पे बात कर रही थी। रौनक से मिलो। मैडम मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं उससे यहीं मिला था। रश्मि से आखिरी बार कब मिले थे तुम? मैं रश्मि से आखिरी बार उसके बर्थडे पार्टी पे मिला। उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस रात की एक वीडियो ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तो लगता है कि उसे उसके किए की सजा मिल गई। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था रश्मि ने सर, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को बोला था मैंने। और तकरीबन 3 महीने पहले उसने अपना फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और अपना नंबर फिर उसने दोबारा कभी यूज़ नहीं किया। रश्मि यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती थी? यही साउथ दिल्ली में रहती थी। रश्मि यहाँ जो साउथ दिल्ली में रहती थी वो एड्रेस देंगे आप हमें? या श्योर। रश्मि का मटर यहीं क्या गया? लाश को काट कर ट्रॉली बैग में भरा गया। पूरा घर चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मर्डर के बाद ब्लड साफ करने की कोशिश की गई है, फिर भी ब्लड के निशान छूट गए। वो जो एक्टर है रौनक, उसकी कुंडली निकालो, उसके पास तगड़ा मोटिव है मर्डर करने का। आसपास चेक करो कि कोई CCTV है क्या, अगर मिलता है तो मर्डर वाले दिन की फुटेज चेक करो। और रश्मि के मोबाइल का IMEI नंबर निकालो, पता करो कि उसमें कोई दूसरा नंबर एक्टिव हुआ था क्या। हेलो, सब आपकी वजह से हुआ है ना, आप बेवजह शक करते उस पे और ना 3 साल से हमारी बच्ची इसी शहर में रह रही थी,
लेकिन एक बार हमसे मिलने तक नहीं आई। इसी बात को तुम समझ नहीं रही हो जया, 3 साल से इसी शहर में थी ना, फिर भी उसने तुमसे झूठ बोला। अपने घर से ज्यादा उसे अपने आबादी प्यारी थी। राजू बेटा, तुम अपना और अपनी बहन पिंकी का ख्याल रखना। ये फैमिली 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। हरीश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कोविड के कारण वो कंपनी बंद हो गई। आइए सर, ये देखिए सर, ये हरीश सर एक बॉडी बेडरूम में भी है। ये देखिए सर, हरीश की पत्नी सुषमा के CDR में 1 नंबर सस्पिशियस मिला है। पिछले 2 दिन में इस पर कई बार लगातार बात हुई है। हेलो, नंबर आगरा का है, किसी ललिता श्रीवास्तव का। अभी स्विच ऑफ है। सर, 5 साल पहले ललिता ने खुदकुशी की थी। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला, बस इतना पता चला कि खुदकुशी करने से पहले ललिता बैंक गई थी। बैंक के एक एम्प्लॉय ने उसको ठगा था। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कौन था वो? ये केशव नाम है इसका। इसने ललिता को वादा किया था उनके जमीन पर वो लोन दिलवाएगा, लेकिन जमीन को धोखे से बेच दिया। अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। ठीक है, तुम हमें इसकी सारी डिटेल्स दो। सर, कौन हो सकता है वो जो 5 साल पहले मिली ललिता के मोबाइल नंबर से हमारी दूसरी विक्टिम सुषमा से बात कर रहा था? हाँ प्रतिभा। सर, रश्मि के मोबाइल के IMEI नंबर से एक नए नंबर का पता चला है। उसका CDR निकाला तो पता चला वो किसी मनीष अग्रवाल नाम के आदमी से टच में थी। मैं आगरा से निकल रहा हूँ, थाने बुलाओ उसको। सर, सर रश्मि और मैंने शादी करनी थी। सर, सर, सर हम दोनों प्यार करते थे सर एक दूसरे से। हम दोनों ही अपने अपने घर से मुंबई में अच्छी जॉब का बहाना करके निकले थे, लेकिन शादी के बाद भी हम दिल्ली में ही थे सर। सर, रश्मि अपने घर वालों से झूठ बोलती थी कि वो मुंबई में है, वो मेरे साथ यहीं थी दिल्ली में। सर, बहुत खुश थे सर, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमको और हमारे बीच हर छोटी मोटी बात पे झगड़े होने लगे और फिर ये धीरे धीरे झगड़े बड़े होते गए सर। इसीलिए तूने मार डाला रश्मि का? नहीं सर, मैंने मारा नहीं है सर उसको। मैं मानता हूँ कि हम अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के बाद भी हम लोग टच में थे सर। ऐसी रही पार्टी? ऑसम। और तुम्हें तो पता ही है ना, पीने के बाद निहारिका की ऑस्कर वाली स्पीच। यार, तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर। अरे यार, मुझे आना था, मैं थोड़ा बिजी हो गया काम में। तुम ना, तुम काम करो, मैं जा रही हूँ अभी सोने। ठीक है, कल बात करती हूँ। मैं तो रोज उसको इसी उम्मीद पे फोन करता था कि एक दिन तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तूने रश्मि को समझाने की कोशिश की पर उसने तेरी बात समझी नहीं, इसलिए मार डाला रश्मि को तुमने। मैंने मारा नहीं है सर उसको। सर मैं प्यार करता था उससे, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। तो जितना अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतना है नहीं। कुटस सारे को, और तब तक कुटस जब तक ये सच ना हो। लेकिन सर, चलिए, हमने नहीं किया सर, रश्मि सर। रश्मि कई मुश्किलों से गुजर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद वो अकेली हो गई थी, लेकिन उसने अपने पिता के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसकी वजह उसके पिता का सख्त रवैया और उनकी पिछड़ी सोच थी। पुलिस इस केस में काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन इस साजिश का मास्टरमाइंड उनसे 2 कदम आगे था
और अपने अगले शिकार पर घात लगाए बैठा था। अंजलि बेटा कितनी देर कर दी? सॉरी माँ, काम थोड़ा ज्यादा था। बस काम 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 के चक्कर में ना तू माँ को भूल जाएगी, है ना? अब आप नाराज मत हो। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना आपका दिमाग ठंडा करने के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी खाते हैं, यहाँ पास ही में बहुत अच्छी मिलती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। कब से बैठ के इंतजार कर रही थी मैं, अब आएगी अब आएगी। सर पिछले हफ्ते गाजियाबाद में एक सीनियर सिटीजन का मर्डर हुआ, नाम कुमार जायसवाल, मॉडस ऑपरेंडी, लगभग हरीश शाही के फैमिली के मर्डर्स जैसी, रस्सी से गला घोटकर हत्या, घर में लूटपाट एंड नो फिंगरप्रिंट्स। और हाँ सर, गाजियाबाद पुलिस को क्राइम सीन से नायलॉन की रस्सी मिली। नायलॉन की रस्सी? कोई अरेस्ट हुआ था उस केस में? दो लोग सस्पेक्ट हैं, विक्टिम का नाती आरव जो कि ड्रग एडिक्ट है और उसका ड्रग डीलर अंकुश, ये दोनों लोग फरार हैं। सर पूछताछ में पता चला है पिछले 2-3 हफ्तों में गाजियाबाद और गुड़गांव में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, मतलब रस्सी से गला घोटकर हत्या और क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट नहीं। वो हरीश शाही केस की फाइल देना। इसमें कोई डाउट नहीं है, गाजियाबाद में हुए मर्डर का हरीश की फैमिली में हुए मर्डर से कनेक्शन है। ऐसी चीजें खंगा लो जो इन मर्डर्स में कॉमन। सर गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के जिन घरों से लूटपाट और मर्डर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पड़ोसियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस नोट नहीं किया। सर किसी भी घर में सीसीटीवी नहीं था, तो कौन आया कौन बाहर गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन सर जब मैंने उन घरों तक जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी खंगाली तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात हाथ लगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये देखो दोनों ही केसेस में ब्लड टेस्ट करवाए गए हैं, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो ब्लड सैंपल घर पर लेने आता है। सर इसका मतलब ये गिरोह है जो टेस्ट करने के बहाने घर में घुसता है और क्राइम करता है। हाँ जी जी, वो आपने ब्लड टेस्ट करवाया था ना, तो उसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मुझे कोरोना ना हो गया हो। माफ करना, आप कोरोना पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव? जी हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी टीम है जो आपके घर को सैनिटाइज कर देगी। आओ आओ। अरे आप चिंता मत कीजिए, पूरा घर सैनिटाइज हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत। एक मिनट पुत्र, एक मिनट, पहले मैंने बहू की रिपोर्ट तो देख दे। अबे पापा जी, आप रिपोर्ट देख के क्या करेंगे? वो क्या है ना कि सारी मेडिकल लैंग्वेज है तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैनू सब समझ में आंदा है, तैनू पता नहीं है पुत्र, मैं अपने पिंड विच ना वैद था, वैद। अबे बुड्ढे, फोन किसको लगा रहा है तू? हाँ ज्यादा पुछारी कर रहा है तू। उतारो सबके नकाब। ललिता श्रीवास्तव तुम लोगों की पहली शिकार थी ना, जिसको लूटा तुम लोगों ने, जमीन हड़प ली उसकी। वो थी इतनी बेवकूफ कि उसको उल्लू बनाना बहुत आसान था। जब मैंने उसकी जमीन बेची तो आई थी मेरे पास रोती हुई। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, वो जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए पेपर तो आप ही ने दिए थे ना मुझे। मैंने तो लोन के लिए दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे देखो मैं मर जाऊंगी। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। सीधे बोलो, किस किस का क्या क्या रोल था?
सर बशीर एक कंपनी में काम करता था जो लोगों के घरों में जाकर लोगों के ब्लड सैंपल और पैथोलॉजिकल कलेक्ट करते थे, और सर फिर यही हमें बताता था कि किस किस घर में कितने लोग रहते हैं और उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। फिर अंजलि हर जगह जाके रेकी करती थी। हाँ सर, बहुत ही बेकार हालत में मिली थी सर मुझे, एकदम भूखी प्यासी। मेरे बाप से भी बढ़कर है वो, हमेशा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा। तब से मैं श्याम के साथ ही काम करती हूँ। जब हम लोग घर मार्क कर लेते थे तो उसके बाद अंजलि उस घर में जाकर ये देखती थी कि इस घर में कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने लोग रहते हैं, वो हमें पूरी रिपोर्ट देती थी। और सर नीलेश इस बात का ध्यान रखता था कि गाड़ी को कहाँ रोकना है, कहाँ से निकलना, ताकि हम लूट करके फटाफट उस रास्ते से निकल जाए। और सर फिर हम पूरी तैयारी के साथ लोगों के घरों में जाते थे। रश्मि को भी तुम ही लोगों ने मारा ना? जी सब पता कर लिया है हमने। मेरे पास भी रश्मि के केस में एक लीड है। रश्मि ने अपने मर्डर से एक दिन पहले सेम कंपनी को अपने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया था। ये बोलो रश्मि के साथ अलग क्यों? रश्मि का मर्डर हमारे प्लान में शामिल नहीं था, ये तो सब इस की वजह से हुआ सर। हम लोग एक्चुअली 18 तारीख को उसका घर लूटने वाले थे, लेकिन ये सब भी पहुंच गया उसके घर में। सब सब वो अंजलि के साथ रिक्की पर गया था, तब दिखी थी पहली बार रश्मि। उसको देखते ही मेरा बत्ती जल गया सर। उसकी बॉडी को काटा क्यों? सब वो बैग के अंदर बॉडी आ नहीं रही थी, चॉपर लिया और काट के डाल दिया अंदर और बॉडी फेंकने गया। अधिकारी ने मुझे देख लिया था। ए! 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 तो कितने लोगों को लूटा तुम लोगों ने? सर यही कोई 500-550 लोगों को ठगा होगा। इनकी चीखें एक किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए पुलिस स्टेशन के। ले लो कुत्ता सालों को। कोविड 19 के इस दौर में हमने इंसानियत की कई अनमोल मिसालें देखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महामारी के माहौल को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, जैसा कि इस केस में श्याम ने किया। लालच से भरा दिल और साजिश से भरा दिमाग सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलाता है, लेकिन खुद को शातिर समझने वाले ये सो कॉल्ड मास्टरमाइंड ये भूल जाते हैं कि जुर्म के रास्ते की आखिरी मंजिल जेल की चारदीवारी होती है, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।